रुद्रपुर के भुरारानी क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। परिजनों की तहरीर के बाद कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तीनों नाबालिग किशोरों को हिरासत में ले लिया है। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कल रात नाबालिग लड़की भुरारानी क्षेत्र में दुकान के सामान लेने गई हुई थी। बताया जा रहा है कि जब वह घर को लौट रही थी तभी रास्ते में भुरारानी के रहने वाले तीन किशोरों ने उसे रोका और कुछ दूर ले जाने के बाद बारी बारी से गैंग रेप किया। इसके बाद रोती बिलखती नाबालिग घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बाद में घटनास्थल पर पहुंची पुलिस नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग मूल रूप से बिहार की रहने वाली है और रुद्रपुर भुरारानी क्षेत्र में अपनी रिश्तेदारी में मां के साथ रहती है और भुरारानी के एक स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ती है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी स्वतंत्र कुमार ने बताया, ये भुरारानी का मैटर है। कल रात को हम लोगों के संज्ञान में आया था कि एक नाबालिग लड़की है, उसके साथ कुछ लड़के गैंगरेप किए हैं। उसकी सूचना पे रात में दबिश दी गई, उस समय तो लड़के नहीं मिले, फिर लड़कों को लाए गए। लड़के भी नाबालिग हैं, तीन लड़के हैं। लड़की की तहरीर पे लड़की की मदर और उसके फादर भी आए थे, तो गार्जियन की तहरीर पे एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और जो नाबालिग लड़के हैं उनको हिरासत में ले लिया गया। संबंधित उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की जो विधिक कार्रवाई है उसको अमल में लाई जाएगी। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बगल में लगी बेल आइकन में घंटी बजाना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले।